विपक्ष को तगड़ा झटका देकर ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ गए। एक तस्वीर सामने आई जिससे ये साफ हो गया कि बीजेपी ने खेला कर दिया है। तस्वीर थी राजभर की बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ। दरअसल पिछले कई महीनों से सुभाषपा को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। आखिर कब राजभर ये तय करेंगे कि वो किसके साथ हैं? पहले तो बीजेपी के धुर विरोधी कहला रहे थे। एक बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मायावती को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बना दो, वो विपक्ष के साथ खड़े दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष के सामने ये ऑप्शन भी रखा था कि यूपी में गठबंधन को लेकर जहां भी बैठक करें, बस उन्हें 2 घंटे पहले बता दें, वो हाजिर हो जाएंगे। लेकिन शायद ये सब बातें विपक्ष के दिग्गजों को समझ नहीं आई और इसी समय का सही फायदा उठा लिया बीजेपी ने। दिल्ली में सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद सारे सस्पेंस और कयासों पर परमानेंट ब्रेक लगा दिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और उनके एनडीए में आने पर मुहर लग गई। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किन किन शर्तों पर बीजेपी और राजभर के बीच बात बन पाई, वो क्या शर्तें थी जिसके बाद सब कुछ एनडीए के पक्ष में हो गया। तो हमें मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री के सामने 3 शर्तें रखी। ये 3 शर्तें पूर्वांचल की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर थी। पार्टी सूत्रों की माने तो 3 में से 1 सीट पर बात भी बन गई है, जिस पर वो अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। आपको बताएं तो शनिवार को अमित शाह के साथ ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर के साथ दिल्ली में करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। राजभर ने शाह से पूर्वांचल की गाजीपुर, आजमगढ़ और चंदौली सीट मांगी और गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर बात भी बन गई। राजभर इस सीट से छोटे बेटे अरुण राजभर को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। खबर ये भी सामने आ रही है कि एक शर्त राजभर द्वारा मांगा गया मंत्री पद था, जिस पर अब ये कयास लग रहे हैं कि जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ ओपी राजभर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। खैर, यूपी की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजभर बन गए हैं और वो आज एनडीए के साथ हैं। लेकिन शायद ये तस्वीर न बनती अगर अखिलेश यादव, मायावती या जयंत चौधरी समय रहते राजभर को सुन लेते। याद कीजिए राजभर के वो बयान जिसमें वो लगातार समाजवादी पार्टी बसपा से जुड़ने की बातें कह रहे थे, लेकिन किसी ने राजभर को भाव नहीं दिए। लेकिन अब हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं को ये भी लग रहा हो कि वो गलती कर बैठे हैं, क्योंकि एनडीए के साथ राजभर के आने का फायदा बीजेपी को मिलना तय है, जिससे अब विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।